हेलो जी क्या हाल है आपके दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 15 एयर अराउंड अस तो इसमें बात करते हैं कि एटमोस्फियर के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं क्या क्या उसकी कंपोजिशन होती है मेन कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर एटमोस्फियर इज कम्पोज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी नाइट्रोजन ट्वेंटी ऑक्सीजन जीरो पॉइंट नाइन थ्री परसेंट आर्गन जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज लिटिल अमाउंट ऑफ न्योन हीलियम मिथेन क्रिप्टोन ओजोन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल ये सभी हमारे एक एटमोसफियर के कॉम्पोनेंट हैं अलग अलग अमाउंट में यह सबसे ज़्यादा क्या है नाइट्रोजन है दैन ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन है ये सभी गैसेस मिलकर हमारे क्या बनाते हैं एटमोसफियर को बनाती है और सभी का अपना अलग अलग यूज होता है सभी गैसेस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहला नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज फाउंड इन सोइल्स एंड प्लांट्स इन द वाटर वी ड्रिंक एंड इन द एयर वी ब्रीथ इट इज एन असेंशियल न्यूट्रिय फॉर प्लांट्स एंड अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन विच ऑल एनिमल्स नीड टू ग्रो रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव क्या है कि न्यूट्री नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे प्रोटीन प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है इसी तरीके से एयर हम एयर ब्रीथ करते हैं हम नॉट ओनली ऑक्सीजन हम खाली ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं करते हम एयर को ब्रीथ करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंपोजिशन नाइट्रोजन की होती है तो मतलब वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजेबल होती है प्लांट्स यूरिया चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए तो वो वो भी उसमें भी नाइट्रोजन तो मतलब हर जगह नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो एनिमल्स हो कोई भी हो चाहे वो प्लांट्स हो किसी में भी हो तो नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए हमारे एटमोसफेयर के लिए मीन्स अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेकंड वन बात करते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इट इज रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेशन। द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन गिव अवर सेल द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन फूड इन ऑर्डर टू गेट द एनर्जी वी नीड टू सरवाइव ऑक्सीजन क्या होती है ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन या फिर जिसको बोलते हैं बर्न किसी भी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं मीन्स हमारी बॉडी के अंदर यही तो होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो उनमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी अर्थ पे जिंदा नहीं रहेगा कोई भी लाइव नहीं रहेगा बात करते हैं आर्गन इट इज द मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ द नोबल गैसेज इन द अर्थ एटमोसफियर प्रोवाइड एन इनर एटमोसफियर इन विच मेटल्स विल नॉट ऑक्सीडाइज कि अब जितने भी मेटल्स वगैरह हैं अगर यह गैस नहीं होगी तो क्या होगी मेटल सारी क्या होगी ऑक्सीडाइज हो जाएगी उनमें जंग लग जाएगा ठीक है ना तो उनको बचाए रखने के लिए आर्गन गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एटमोसफियर में बात कर दे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन Important greenhouse gas that helps to trap heat in our atmosphere. It cures our feeling of suffocation. All materials, when they burn, consume oxygen and produce carbon dioxide. Plants need carbon dioxide for photosynthesis and to light. कार्बन देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिनसाइज करते हैं तो वो किसको इनोल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनोल करते हैं जितने प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जलती हैं तो उनसे क्या निकलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है काला वाला धुआं निकलता है उसको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और प्लांट्स उसको इनहेल करते हैं राइट बात करते हैं ओजोन यूज कर सकते हैं तो उनसे हमें बचाए रखने के लिए ओजोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बात करते हैं मीथेन मीथेन इज एन ऑर्डरलेस कलरलेस फ्लेमेबल गैस इट इज यूज प्राइमरली एज फ्यूल टू मेक हीट एंड लाइट इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक केमिकल्स मीथेन्स कैन बी ंग ऑफ नेचुरल मटीरियल एंड द कॉमन इन लैंडफे सेप्टिक सिस्टम एंड सीवर मीथेन क्या होते हैं? जहाँ पे भी जो भी गंदगी होती है वहाँ पे जो एक अजीब सी स्मेल आती है उसी को क्या बोलते हैं मीथेन बोलते हैं ये फ्लेमेबल ये जलने वाली गैस होती है और ये हम इससे हम फ्यूल भी बना सकते हैं ठीक है ना और इसको कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं और इसके सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं सीवेड से इसको ले सकते हैं ठीक है तो ये भी हमारे एटमोसफियर के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है ना बहुत सारे जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो इसी गैस को देखते हैं मतलब इसी गैस को इनहेल करते हैं फील करते हैं कि और पता लग जाता है उनको कि वहाँ पर इस तरीके से कोई एनिमल मर गया है तो उसको वो खाने चले आते हैं ठीक है जिसको हम स्क्रवेंजर्स बोलते हैं राइट तो मिथेन भी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर वेपर्स एयर कंटेंस वाटर वेपर्स सीधी सी बात है कि भैया वाटर वेपर को एयर कंटेन करके रखते हैं किस तरीके जब से वाटर वेपरेशन होता है तो एयर के थ्रू ही तो जाते हैं ऊपर तक वो ठीक है वेन एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सरफेस इट गेट्स कोल एंड फोक अपियर्स कि जो धुंध आती है आपने देखा होगा धुंध वो सर्दियों में आती है तो वो इसी वजह से आती है ये उसका एक एग्जाम्पल है द प्रजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वॉटरसाइकिल इन नेचर जैसे मैंने अभी बताया वो ऑपरेशन तो वाटरसाइकिल का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वाटर वेपर ठीक है ना बात करते डस्ट पार्टिकल्स एयर कंटेंस डस्ट पार्टिकल्स द प्रजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम कि जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा कहीं पे नहीं होते तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, अलग वेरी करते हैं इनका कुछ भी खास इंपॉर्टेंट कोई रोल इतना नहीं होता लेकिन फिर भी ये एयर के अंदर रहते हैं इसको धूल बोलते हैं ठीक है तो दिस इज कम्पलीट ऑफ पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर फिफ्टीन इसमें हमने पढ़ा कि एयर के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं एटमोस्फेयर के क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं उसमें क्या क्या जरूरी जरूरी गैसेज होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होती हैं यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में